गुस्सा करने से छुरियां आ जाएंगी और तुम अच्छी नहीं दिखोगी। आखिर ये किसने सिखाया तुम्हें? मैंने तुम्हें कब सिखाया? मैंने तो तुम्हारी मम्मी को कभी परमिशन के बिना किस नहीं किया। वो तो शादीशुदा है, वो भी एक बच्चे के साथ। उसने तो कहा बुरा वक्त चल रहा है, काफी अच्छा वक्त चल रहा है इसका तो। मैम आप अंदर नहीं जा सकती। मैं जानना चाहती हूँ कि मिस शेन कहाँ पर है। मुझे उसके बारे में पता नहीं, क्या आप वहाँ पे वेट कर सकती है? ठीक है, शुक्रिया। हेलो, क्या मिस्टर शीन अभी फ्री है ताकि मैं उनसे बात करूँ? मिस्टर शीन मीटिंग में है, क्या आप रुक सकती हो? पर उन्होंने तो 10 बजे कहा था, अभी काफी टाइम हो गया है। मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा तो फिर उनकी मीटिंग कब तक है? मैं यकीन से नहीं कह सकता। तुम्हें कुछ भी कैसे पता नहीं? अगर आप नहीं रुक सकती तो कल भी आ सकती हो। छोड़ो, मैं यहीं पर रुकूंगी। उन्हें प्लीज कहना जल्दी करे। बियाजाल की मिस मीन 20 मिनट से आपका इंतजार कर रही है, क्या मैं उनको? बस 20 ही मिनट तो हुए हैं। समझ गया, मैं उन्हें एक और कॉफी देता हूँ। रुक जाओ, ग्वानचाओ से मिस्टर चेंग के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो। हाँ। इतना आसान भी नहीं होगा तुम्हारे लिए 10 मिनट निकालना। बोलो क्या हुआ? चेंचेंग की सर्जरी पोस्टपोन हुई है, वो तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। सर्जरी पोस्टपोन क्यों हुई? ये फैसला हॉस्पिटल का था। क्या तुम आ सकती हो? मैं आ रही हूँ, रुकना मेरे लिए। बाय। मिस भी नहीं आपके कॉफी। नहीं शुक्रिया, मैं आपको छोड़ती हूँ। हाँ ठीक है। हार्डी, मिस मिन को अंदर मीटिंग के लिए बुलाओ। वो चली गई। वो चली गई? हाँ, मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, लगता है वो सीरियस नहीं है। मम्मी, चंचन, चंचन, सॉरी मुझे लेट हो गया। तुम सॉरी मत कहो, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मम्मी, मुझे ना थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। मैं तुम्हें अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी देती हूँ। तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। माय गुड बॉय। टाइम हो गया है मिस्टर चो। ठीक है, चलो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम वहां अंदर जाओगे तो अच्छे से सोना, ठीक है? और जब तुम उठोगे तो मुझे देखोगे, समझ गए? मम्मी यहीं पर है, जाओ। चिंता मत करो, मैं काउमू को कॉल करता हूँ, वो यहाँ पर आ जाएगी। हाँ,
तुम आराम करो, प्रोफेसर शेंग और मैं एक साथ सर्जरी करने वाले हैं। जो, प्लीज उसे। सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करना, प्रोफेसर चेंग बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जरी बिल्कुल ठीक होगी। जोरू जी ने बताया था ना, हाँ सब ठीक हो जाएगा।